क्लास सेकेंड ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर सिक्सटी वन तो बच्चे पेज नंबर सिक्सटी वन में आज हम करेंगे वर्ड्स एंडिंग इन एलवाई, यानी कि वो शब्द जिनके पीछे एलवाई का यूज़ करते हैं आप देखिए कम्प्लीट देंटेंसेज विद द करैक्ट एल वाई वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स आपके यहाँ पे एल वाई वाले बॉक्स दे रखे हैं जिनका लास्ट में जो वर्ड लास्ट में एल वाई आ रहा है जैसे स्लोली सॉफ्टली Neatly playfully. तो आपको यूज करना है ये सेंटेंस में अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डज अ टर्टल वॉक एक कछुआ कैसे चलता है तो हमने इसका आंसर लिखा टर्टल वॉक स्लोली कैसे चलता है वो स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलता है फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज अ पपी चेज द बॉल तो जो पपी है वो कैसे बॉल्स के साथ खेल रहा है तो पपी चेज द बॉल्स प्लेफुली यानी कि उसके साथ खेल रहा है मज़े से खेल रहा है हाउ डज जारा राइट जारा कैसे लिख रही है तो जारा राइट्स नीटली जारा कैसे लिख रही है नीटली लिख रही है सफाई से अपना काम कर रही है हाउ डज द विंड ब्लो हवा कैसे चल रही है द विंड ब्लो सॉफ्टली बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हवा चल रही है तो हमने यहाँ पे यूज़ किया तो मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई डिस्क्राइब एन एक्शन दे शो एंड एक्शन performed परफॉर्म्ड क्विकली badly बैडली नीटली एंड अदर वे तो बच्चे ज़्यादातर वर्ड्स uh, में एंड में लास्ट में एल वाई होता है जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं किसको एक्शन क्या काम हो रहा है जैसे यहाँ पे क्या था क्विकली नाइसली बैडली नीटली सब क्या एक्शन वर्क है नो स्टडी डीज सेंटेंसेज रीना राइट नीटली हाउ डज रीना राइट नीटली रीना अपना काम करती है नीटली कैसे करती है वो तो नीटली करती है आगे देखते हैं आगे है आपके पास डेजी डिड हर होमवर्क क्विकली एंड वेंट आउट टू प्ले डेजी अपना काम क्विकली करती है यानी कि जल्दी से करती है और खेलने चली जाती है हा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डज डेजी डू हर होमवर्क डेजी अपना काम कैसे करती है तो इसका आंसर आएगा क्विकली यानी कि जल्दी से कर लेती है सीता डज हर जॉब नाइसली सीता अपना जॉब करती है अच्छे तरीके से नाइसली करती है तो क्वेश्चन है हाउ ड सीता डू हर जॉब सीता अपना जॉब कैसे करती है तो आंसर आएगा नाइसली द शोल्जर्स फाउट ब्रेवली इन द बैटल जो हमारे शोल्जर्स होते हैं सैनिक होते हैं तो युद्ध में क्या करते हैं बहादुरी से लड़े वो तो इसमें आंसर क्वेश्चन आएगा हाउ डिड सोल्जर्स फाइट जो सैनिक थे वो कैसे लड़े तो आएगा ब्रेवली यानी कि बहादुरी से द विंड ब्लू स्ट्रांगली थ्रू द ट्रीज तो यहाँ पे आया हवा बहुत तेज़ी से बह रही थी स्ट्रॉन्गली बहुत तेज़ी से जैसे तूफान आता है तो हाउ डिड द विंड ब्लो हवा कैसे बह रही थी तो आंसर है स्ट्रॉन्गली तो आपके पास जो अब एक्सरसाइज हैं वो आप बुक में ही फिल करेंगे बाद में हम उनको रिटर्न नोटबुक में करेंगे तो आपको क्या करना है सर्कल एल वाई वर्ड्स द डिस्क्राइब डूइंग वर्ड्स इन ई सेंटेंस आपको जो एल वाई वाले वर्ड्स हैं जो एक्शन वर्ड है जो बता रहे हैं उनमें आपको सर्कल करना है जैसे पहला है द इंजीनियर फिक्स प्रॉब्लम ईजली तो ईजली में आपको क्या करना है सर्कल करना है माई शिप डॉग सेट लेजी लेजी बाय द पुल तो लेजली में आपको सर्कल करना है नील्स स्टॉप सडनली एंड लिसन तो सडनली में आपको तो सर्कल करना है फिर आएगा नथन स्टैप्ड हिज फीट एंगली तो एंगली में आपको सर्कल करना है फिफ्थ सेव फेल डाउन एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली में आपको सर्कल करना है सिक्सथ द ट्रक हॉन्ग लाउडली लाउडली में आपको सर्कल करना है सेवन्थ माई ग्रैंड पा नॉट लाउडली लाउडली में आपको सर्कल करना है एट्थ पीटर क्लाइंबड अप दिल केयरफुली तो केयरफुली पे आपको सर्कल करना है तो so, ये आपके डिस्क्राइब वर्ड्स थे डूइंग वर्ड्स थे तो so, आपने इनको सर्कल करना है जो एलवाई से मिले हुए थे एलवाई में लास्ट में था अब आपके पास आगे है बच्चे ये भी आपको बुक में ही करना है ड्रॉ लाइन्स एंड मैच ईच डूइंग वर्ड्स विद द एलवाई आपके पास यहाँ पे कुछ सेंटेंस है आपको उनके मैच करना है जैसे द सन साइन सन कैसे चमकता है तो सन चमकता है ब्राइटली यहाँ पे आप वन लिख सकते हैं या आप मैच करेंगे ऐसे ही ग्रेनी वॉक्स ग्रेनी चलती है कैसे तो हमने लिखा क्वाइटली यानी कि शांति से वो वॉक करती हैं द बर्ड्स सिंगिंग तो बर्ड द बर्ड्स सिंगिंग बर्ड्स कैसे सिंग करती हैं तो बर्ड सिंग स्वीटली यानि कि बहुत मधुरता से वो गाती हैं समिता लफ्स तो समिता लफ्स लाफ मतल हंसती हैं स्लोली यानी कि धीरे से वो हंसती हैं uh, फिर आएगा प्लीज सीट प्रॉपरली कृपया ढंग से बैठिए प्रॉपरली ओके होल्ड माई आर्म्स टाइटली मेरा हाथ क्या करो टाइटली पकड़ो तो इसमें अटाइटली में आप सिक्स नंबर लिखोगे ही आज द क्वेश्चन लाउडली वो क्वेश्चन पूछ रहा था लाउडली तो लाउडली में आप सेवन करोगे या मैच करोगे आप फिर आएगा द थीम जम्प थ्रो द विंडो क्विकली चोर खिड़की से कूद कूदें तेजी से ठीक है खिड़की के रास्ते वो तेजी से कूदें तो क्विकली में आप एट लिखोगे या मैच करोगे आई डिड ऑल द सम्स करेक्टली मैंने सारे सम्स क्या है करेक्टली कर लिए हैं फ़ादर स्पोक मी फादर स्मोक टू मी एंगली मेरे पापा मुझे गुस्से से बोले तो एंगलली में आप टेन करोगे इसी प्रकार से मैच करोगे अब इसका फंड टाइम है नीचे तो ड्रॉ लेंस टू तो मैच द एलवाई वर्ड्स इन द कॉलम ए डर अपोजिट कॉलम यानी कि आपको अपोजिट करने हैं एलवाई जो लगे हैं लेकिन अपोजिट भी करना है जैसे फर्स्ट क्विकली तो क्विकली का क्विकली मतलब जल्दी से तो उसका अपोज़िट क्या आएगा स्लोली ठीक है वन वाला फिर है केयरफुली केयरफुली का क्या आएगा केयरलेसली यानी कि केयरफुली आप जानते हो सावधानी से केयरलेसली असावधानी सैडली का सेड का हैप्पीली ठीक है एंड का एंड का नीटली क्वाइटली का नोइली और फिर आएगा क्वाइटली के बाद क्वाइटली का नोइली नाइसली का बैडली स्ट्रॉन्गली का वीकली सॉफ्टली का लाउडली राइटली का राइटली uh, का रॉन्गली ठीक है एंड पोलाइटली का रूडली तो इस प्रकार से आप मैच करोगे जब हम अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो जो हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे आप आ, 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 बड़ी क्लास में चले गए हो तो आपको ये भी आपके ढंग से समझ में आ जाएगा अभी मैच करेंगे और राइट इसको नोटबुक में हम प्रॉपरली करेंगे ओके okay, तो आप आप आज जितना इतना ही करेंगे इसके बाद हम रिटर्न में करेंगे